हाय दोस्तों, तो आ गई हूँ मैं फिर से आपके लिए रेसिपी लेके। तो कमेंट आया था कि मूंग की दाल का हलवा बनाओ आंटी जी, तो लेके आई हूँ आपके लिए मूंग की दाल का हलवा। तो देखिए, मूंग की दाल है तो मैंने भिगो दी है अच्छी से, 2 घंटा हो गया है। तो बनाते हैं हलवा मूंग की दाल का। तो मूंग की दाल को मैंने धो लिया है, अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। तो मिक्सी जार में डाल देते हैं और पीस के दिखाती हूँ। तो दाल हमने पीस ली है, ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं पीसनी है, दरदरी पीसनी है। तो मैंने इधर चढ़ा दिया लोहे की कढ़ाई और ले रखा है घी, 1 कटोरी घी डाल देंगे इसमें। तो घी में ही बनता है मूंग की दाल का हलवा, बहुत टेस्टी। तो घी को गर्म होने देते हैं। तो अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच सूजी, सूजी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसको भी भूनेंगे हल्का। 1 चम्मच बेसन, तो इसको हल्का भूनते हैं पहले, आँच हल्की करेंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी है। तो इसको अच्छी तरह भूनते हैं हल्का हल्का, जो इसका कलर चेंज हो जाए सूजी का। तो सूजी का कलर थोड़ा चेंज हो गया, अब हम डाल देंगे इसमें दाल मूंग की जो हमने पेस्ट बनाया था। तो दोस्तों, हलवा को जब हम बनाएंगे तो इसको छोड़ना नहीं ठहरा, लगातार इसको हमने घुमाना है। और हाँ, आँच थोड़ा हल्की करेंगे और इसी तरीके से हमने करछी को घुमाते रहना है। तो हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो घी हमने डाला था वो ऊपर आ जाए और बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए, घी ऊपर आने लग गया है, तो इसको और भूनेंगे हम, कलर भी चेंज होने लग गया इसका। तो लगातार हमने इसको बहुत चलाया, 15 मिनट तक, इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों बनाने में। तो देखिए कितनी बढ़िया करके भून चुका है। अब डाल देंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट, तो ये भी घी के साथ थोड़ा पक जाएंगे। इसमें मैंने काजू और बादाम डाले थे, थोड़ा सा ऊपर से भी डालेंगे हम इसमें। तो थोड़ा सा और भूनते हैं इसको। तो अब डाल देंगे हम इसमें चीनी, 1 बाउल मैंने दाल ली थी, तो 1 बाउल हम चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से घुमाएंगे चीनी को पिघलने तक। 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे हम, देखिए मैंने पीस दिया था, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो अच्छे से भून चुका है, गैस बंद कर देती हूँ। तो जब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे तो उससे पहले हम गैस बंद करेंगे, बड़ी ज़ोर से छाँचा छाँचा होती है, थोड़ा हल्का होने देते हैं। तो गैस बंद कर दिया, अब डालेंगे दोस्तों हम इसमें पानी, 1 बाउल दाल थी तो 1 बाउल पानी डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे हल्की। अब जलाएंगे गैस फिर से दोबारा हम। तो हम बनाएंगे अब बिल्कुल हल्की आंच में इसको। देखिए हलवा हमारा तैयार हो चुका है, थोड़ा सा जो पानी था वो सुखाएंगे इसमें, और मूंग की दाल का हलवा फर्स्ट क्लास। तो देखिए कितना बढ़िया बन गया, और घी में ही बनता है ये हलवा। तो अब हम गैस बंद कर देंगे, देखिए बिल्कुल बर्तन भी छोड़ दिया है। तो गैस बंद कर देती हूँ, ठंडा होता है फिर आपको दिखाते हैं सर्व करके। तो लीजिए दोस्तों, रेसिपी तैयार हो चुकी है मूंग की दाल का हलवा। तो मूंग की दाल की खास बात क्या होती है, उसको खूब भूनना पड़ता है दोस्तों, इतना भूनो कि उसका कलर चेंज हो जाए, तो तभी हलवा बढ़िया बनता है। तो लीजिए, आपके लिए मैं लेके आई हूँ रेसिपी। और दोस्तों, आज मैं बहुत खुश थी इसलिए मैं लेके भी आई हूँ हलवा। 70,000 फॉलोवर मेरे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, आपने इतना सपोर्ट करा, थैंक यू। और आगे भी आपको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट करना, फॉलो ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।